नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री माइती है। मैं वेस्ट बंगाल का लड़की हूँ, वेस्ट बंगाल से आया। मैं कुछ आप लोगों का कुछ बोलने जा रहा हूँ कि मेरा कुछ प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम है कि हड्डी के अंदर में ट्यूमर हुआ था। मेरा परेशान क्या था कि मेरा थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ रहा था। नाइट में हम सो नहीं पाते थे, बहुत रो रहे थे, बहुत रोता था नाइट में। मेरा मम्मी भी रोता था मेरा तकलीफ देख के, क्योंकि मेरा नींद नहीं आती थी, इतना दर्द होता था। तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था, खाना नहीं पका रहा था, काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत तकलीफ हो रहा था, मैं बहुत रोया था। This young lady came to us with a tumor of the right hand. She had a tumor, so we had offered her an option of a limb saving surgery, so wherein we took out the tumor completely so that there would be no recurrence, and reconstructed the remaining hand using bone and tendon grafts from the leg. What we did in this young lady initially was to resect the distal end of the radius along with the tumor and all the other involved structures so that the entire tumor was removed and she was disease free. At the same time, what we did is harvested the fibula, one of the two bones of the leg, along with the skin to cover the defect. What this gave her was a very stable wrist, and following the entire treatment, she had a completely functional hand. She's able to do about 80% of all the work that she normally does. मेरा गांव में एक डॉक्टर है, उसको दिखाया, उसने बोला ठीक है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो उसके बाद और एक डॉक्टर के पास गया, वो भी होम्योपैथिक का डॉक्टर है, उसने बोला कि खुजली है, खुजली की वजह से हुआ है, इसमें पानी भर चुका है इसलिए बड़ा हो रहा है। तो उसने हमको दवाई दिया, उसके 6 महीने उसके पास दवाई खाने के बाद देखा कि वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो उसके बाद हमने फिर से गांव आया तो उधर और एक डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि इसको काट के फेंकना पड़ेगा। बहुत टेंशन कर रहा था मेरा घर का, मेरा पापा, भैया, मेरा मम्मी, रो रहा था, बहुत रो रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसके बाद एक कजिन ने बोला है कि आप एक काम कीजिए, बेंगलोर चले जाइए, उधर मणिपाल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि बहुत जल्दी जल्दी ठीक कर सकता है। मैंने मणिपाल हॉस्पिटल में आके देखा कि इधर के डॉक्टर को दिखाया, दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि इस हड्डी को काटना नहीं पड़ेगा, इस हाथ को काटना नहीं पड़ेगा, ओनली इस हड्डी को काट के फेंकना पड़ेगा। तो मेरा डर थोड़ा सा दूर हुआ था, क्योंकि ऑपरेशन नहीं हुआ है ना। तो उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया, उसके बाद इस हड्डी को कट के फेंका, उसके बाद मेरा हाथ ठीक हो गया और मैं ठीक हो गया, मैं सब कुछ काम कर सकती हूँ, ड्राइविंग कर रही हूँ, सब कुछ। I would say probably the largest known to us, arising from the distal radius bone. So the tumor was removed with a good margin, and this defect was helped filled by a vascularized fibula bone with a muscle pedicle flap with the help of our plastic and reconstructive surgery team. And with a special plate, we fixed this post fibular allograft bone onto the defect and fused her wrist, thereby giving her a very stable and functional wrist. तो currently मैं बोलना चाहती हूँ कि सचमुच डॉक्टर लोग बहुत अच्छा है, डॉक्टर सुनील की, डॉक्टर श्रीमंत एंड डॉक्टर सिकंद, तीन डॉक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, इसलिए डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो এর জন্য আমি এখানকার প্রত্যেকটা ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিই।